सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अब गुरुवार को दिल्ली में ईओडब्ल्यू ने इस मामले में नोरा फतेही से पूछताछ की है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ जुड़े 200 करोड़ रुपए के रंगदारी मामले में नोरा फतेही को समन जारी किया था। समन मिलने के बाद नोरा गुरुवार को दिल्ली के ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की गई। 200 करोड़ रुपए के रंगदारी मामले में नोरा फतेही को समन जारी किया गया था। समन मिलने के बाद नोरा दिल्ली के ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंची थी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने वैसे तो नोरा को सुबह 11 बजे तक पहुंचने को कहा था, लेकिन नोरा फतेही थोड़ी देर से पहुंची हैं। काले रंग की हुडी और काले रंग का ही मास्क लगाए नोरा नीले रंग की कार से उतरकर तेजी से सीधा ऑफिस के अंदर चली गई थी। आपको बता दें, नोरा फतेही से ईओडब्ल्यू ने सुकेश चंद्रशेखर के साथ दोस्ती और उनके साथ किए गए काम को लेकर कई सवाल पूछे हैं। इसके अलावा ईओडब्ल्यू ने पिंकी रानी से भी पूछताछ की है। पिंकी और नोरा को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई है। इससे पहले बुधवार को एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और पिंकी रानी से पूछताछ हुई थी। आपको बता दें, इस केस में नोरा फतेही से अब तक 5 बार पूछताछ की जा चुकी है। इससे पहले इस मामले में नोरा से 4 बार पूछताछ हुई थी। एक बार दिल्ली पुलिस ने एक्ट्रेस से घंटों पूछताछ की थी। दिल्ली पुलिस ने करीब 7 से 8 घंटे तक नोरा फतेही से पूछताछ की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान उनसे करीब 50 सवाल दागे गए थे। वहीं ईडी भी अभिनेत्री को 3 बार तलब कर चुकी है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने नोरा को दूसरी बार पूछताछ के लिए तलब किया था। कुल मिलाकर इस मामले में नोरा फतेही से ये 5वीं बार पूछताछ हुई है। बता दें कि पुलिस ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में शामिल होने के लिए नोरा फतेही को तलब किया था। वहीं ईडी ने अपनी चार्जशीट में जैकलिन फर्नांडिस को इस मामले में पहले से ही नामजद किया हुआ था और उनसे कई बार पूछताछ भी की जा चुकी है। उस चार्जशीट में ये कहा गया था कि जैकलिन को सुकेश के क्राइम में इन्वॉल्वमेंट के बारे में पहले से ही जानकारी थी, बावजूद इसके उन्होंने ये सारी चीजें नजरअंदाज की और ठग सुकेश के साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में भी शामिल हो गई। लेकिन अब नोरा फतेही का भी नाम इसमें सामने आया है। बता दें कि इस मामले में बुधवार को अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू के सामने पूछताछ में शामिल हुई थी। इस दौरान जैकलिन से सवालों का दौर करीब 8 घंटे तक चला था। हालांकि दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने जैकलिन फर्नांडिस और पिंकी ईरानी के जवाबों में कई खामियां पाई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।